हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी लोग। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप अपना कैसे लॉन्ग रेंज इम्प्रूव करें, क्लो रेंज कैसे इम्प्रूव करें, हर गन को आप मास्टर कैसे कर पाए, कौन सी ड्रिल्स आपका रिफ्लेक्स इम्प्रूव करेगी और कौन सी टिप से आपका स्प्रे अच्छा होगा, क्लो रेंज कैसे अच्छा होगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहो। बिना बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको ना कोई भी टैप टैप वाली गन उठा लेनी, मिनी या फिर M16 म्यूटेंट। तो उस पर 4x जो 6x रेड डॉट जो भी लगाना, आपको आकर स्पीड पे मारना पहले, ऐसे ही जैसे मैंने मारा। फिर आपको तेज़ तेज़ टैप टैप करना है, इन गाड़ी को फोड़ना है तेज़ 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 तेज़, क्योंकि हर बारी थोड़ी ना कि आपको M4 मिल जाएगा, DP मिल जाएगा। अगर आपको M16 मिला तो आपको उसे चलाना भी आना चाहिए। तो आप तेज़ तेज़ टैप करोगे तो आप बंदों को ईजिली मार पाओगे। ऐसे गाड़ियाँ फोड़नी है आपने। अगर आप कुछ लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है भाई, तो भाई सुनो, इस ड्रिल को फॉलो करो, बाद में पता चलेगा क्लासिक में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके ये सिलेक्ट कर लेना तीन टारगेट कोई भी। मैंने तो ये सिलेक्ट किया 40 60 90, नहीं मतलब 60 90 और 120 मैंने वो सिलेक्ट किया। तो Level 3 का सामान रखा और स्पीड मैंने मीडियम सी रखी, नहीं फुल ही कर दी मैंने, बाद में सोचा फुल ही कर देते, देखा जाए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ना ये मूव करेंगे तेज, उनको मारना है M16 से। ऑटो गन से तो कोई मार लेता है, M16 से हार्ड होता है ना आगे एम कर पाना। तो इससे अगर एनमी जिगल जिगल करते हुए भागा या फिर बाइक से आ रहा है इधर उधर, तो आप उसे M16 से ईजिली मार पाओगे। अगर आपको दूर का टारगेट करना है तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने तो ये आपको बताने के लिए किया था सिर्फ। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका M16 पर बहुत अच्छा हाथ बैठ जाएगा। मैं बोलता हूँ हर गन के साथ प्रैक्टिस करो इसे टैप टैप वाली को, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्प्रे इम्प्रूव। तो आपको ना कोई सी भी गन उठा लेनी जिसे आपको मास्टर करना है, और यहाँ पर आके गाड़ी फोड़नी पहले, सुन लो, पहले गाड़ी फोड़नी, फिर बाद में लॉन्ग रेंज में कहाँ पर मारना है वो मैं बताऊँगा। हर गन, हर स्कोप के साथ, हर गन के साथ इसे प्रैक्टिस करो। जैसे मैं AK पर चला रहा, और यहाँ पर आपको इस बड़े से पेड़ पे मारना है, 400 मीटर है शायद। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, फुल 6x के साथ, 3x के साथ, रेड डॉट के साथ, AK बैरल, जिसमें मर्जी चलाओ वो आपकी मर्जी, जिस चीज़ को आपको मास्टर करना है। अगर आप इसे फॉलो करें तो आपको स्प्रे बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ तो हो ही जाएगा ना। अरे अनलव गेमिंग है, हम जो बताते हैं वही होता है। और भाई सुनो, मॉन्टेज वीडियो डालता हूँ वो भी देखा करो, बहुत अच्छी होती है वो। आई होप आपको ये स्प्रे वाला पार्ट समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। आपको ना कोई सी भी गन उठानी जिसे आप मास्टर करना चाहते हो, स्कारल या AK, तो आपको ना इस बड़े से पेड़ पे आके, मतलब दूर है, बड़ा ही है ना पेड़, उस पर आपको स्प्रे आना है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3, रिफ्लेक्सेस। तो अब आ गया मेन टॉपिक। तो आपको पता है करना, अगर आपके रिफ्लेक्सेस कम है ना अभी अभी, तो पहले आपको ये 3-4 टारगेट को मारना है कुछ इस तरीके से। अगर आपसे वो वाला हो गया तो आपको एडवांस करना है, मतलब एक इस पे भी मारना है, फिर एम शिफ्ट करके जहाँ पर मैंने मार्क लगाया वहाँ पर लगाना है, ऐसे, ठीक है। फिर वो ही आपको राइट साइड में आके इन बोर्ड्स पर मारना है तेज तेज, मतलब आराम से मारो, रिफ्लेक्सेस लगाओ अपने, रिफ्लेक्सेस इंप्रूव करोगे ना, एम शिफ्ट करके मारना उनको। इजी रहो यार, ये देखो कैसे आराम से मैं चेंज कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करो। बहुत फास्ट फास्ट नहीं करना, मतलब बोर्ड के हेड पर एम करना कि मैं हेड पर ही शूट करूं, जैसे मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट लेवल रिफ्लेक्सिव ड्रिल्स के लिए आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना होगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन नहीं देती, कुछ नहीं ला रहा,
मैं बस ना जब स्कोप खोल के मार रहा हूँ तो अपना जॉयस्टिक हिला रहा हूँ, और जब मैं राइट से लेफ्ट साइड आता हूँ तो मैं अपना फ़ोन को रोटेट करता हूँ, जैरो खेलता हूँ ना तो मैं, तो उससे स्क्रीन हिलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ रिफ्लेक्स हो रहे हैं मेरे। ओके, अगर आप जैरो खेलते हो तो उठ के बैठ के खेला करो, लेट के नहीं खेलना, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि मेरे पीक फास्ट नहीं है, मैं जल्दी जल्दी पीक नहीं कर पाता तो एनमी मेरा डब्बा बना देते, तो आपको इस ड्रिल को ऐसे परफॉर्म करना है। पॉइंट नंबर फाइव, कार स्प्रे। तो आपको यहाँ पर आकर ना ये बोर्ड्स पे ऐसे मारना है, ऐसे बहुत तेज तेज नहीं मारना है, ऐसे मैंने मारा है, ऐसे नहीं मारना, आपको स्लो स्लो मारना है, ऐसे मैं करके बता रहा हूँ, ऐसे आराम से पूरी गोली लकड़ी पे लगे, ठीक है। ऐसे ही आपको राइट टू लेफ्ट करना है पहले, फिर आपको लेफ्ट टू राइट भी करना है ऐसे, ठीक है। और हर गन के साथ प्रैक्टिस करो, M16 के साथ, DP, मिनी म्यूटेंट, अच्छा लगता है। गाड़ी सामने से जा रहा है और तुम गाड़ी से बंदे को गिरा रहे हो M16 मिनी के साथ, तो आपका गेम प्ले अच्छा हो जाएगा अगर इस ड्रिल को आप फॉलो करोगे तो। रोज प्रैक्टिस किया करो, मतलब 5 से 10 मिनट कर ही लिया करो, या फिर 5 से ऐसे स्प्रे मार लिया करो, हर गन के साथ नहीं करना, तो कोई जो ज़्यादा शेक करती गन उसके साथ कर लिया करो, जैसे बैरल काफ़ी शेक करता। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सिक्स की ओर, क्लोरीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम होता है, तो अगर आपका मूवमेंट बकार भी होगा तो भी आप इजीली मार पाओगे अगर आपका एम अच्छा हुआ तो। एम को कैसे इंप्रूव करें वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो मेरी वीडियो को। आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना डिफ़िकल्टी 3rd level तक, और यहाँ पर बोट आएंगे, मतलब बोट खतरनाक होंगे, यहाँ पर आपका डब्बा बन जाएगा। आपको ना अपना आर्मर और हेलमेट फेंक देना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी नहीं फेंका, मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो उससे काफ़ी हार्ड होगा, और यहाँ पर ना बोट के हेड पर ही एम हो जाता है। अगर आप बॉडी को मारोगे ना तो बॉडी पे वो हिट मार्क शो नहीं होगा, नहीं मरेगा, बोट हेड पर ही होता है, तो इससे आपका हेड शॉट एक्यूरेसी काफ़ी इंप्रूव होगा। आप मतलब 7 हफ्ते इसे प्रैक्टिस करोगे ना, 5-10 मिनट भी रोज़, तो आपका हेडशॉट एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, आपका क्लोरेंज ओपी हो जाएगा, ओपी। बस इतना ही था इस वीडियो पे, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।